नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी के बलिया में बहुउद्देशीय सभागार में शुक्रवार को आयोजित बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ। इसमें सपा सरकार के पूर्व मंत्री और सपा छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री नारद राय का बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर दर्द छलका है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते वक्त सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जिले में बंदूक का नहीं छुरी का भी लाइसेंस नहीं बन रहा है। नारद राय ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से कहा कि ये छोटी बात नहीं है, माननीय परिवहन मंत्री जी यहाँ का कलेक्टर जाते जाते एक संविदा पर काम करने वाले को लाइसेंस बनाकर हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। नारद राय ने आगे परिवहन मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि वाराणसी में बनता है कि नहीं बनता है। मंत्री जी आपने भी बनवाया है, मैं तो विपक्ष में था तब भी वाराणसी से बनवा लेता था, लेकिन बलिया में नहीं बना। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता तहसील पर और लोगों की तरह वसूली करने नहीं जाता है। भाजपा का कार्यकर्ता जब तहसीलदार या एसडीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश दाखिल खारिज के लिए इन छोटी छोटी बातों को लेकर जाता है तो कचहरी में बैठे लेखपाल से लेकर एसडीएम तक सम्मान नहीं देते हैं जो मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं कल तहसील में गया था, एसडीएम भी बैठे हुए थे, तहसीलदार भी वहां बैठे हुए थे और जिस तरह से लोग खड़ा होकर अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, दर्जनों लोगों का हमने काम कराने का काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ जाएगा तब तहसीलदार या एसडीएम हमारे मंडल प्रभारी को अपनी बगल की कुर्सी पर बैठाने का काम करें। थाने पर दरोगा हमारे मंडल जिला प्रभारी और पदाधिकारी से कहता है कि उससे कौन बात करना चाहता है, एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त करनी पड़ती है, चौकी से लेकर कलेक्टर तक जब दरखास्त पहुंचती है तब तक 6 महीने बीत जाते हैं। चौकी से लेकर कप्तान तक के यहाँ पैसा लिया जाता है, पहले भी लिया जाता था। पूर्व सपा नेता ने कहा कि भाजपा की सरकार में नहीं लिया जाएगा, यह संकल्प लेकर आप लोग हम लोगों के साथ लाएं। अब तो दयाशंकर जी, मंत्री जी, हम लोगों का सम्मान कीजिए। माननीय जिला अध्यक्ष जी, एक दिन उच्चाधिकारियों को बुलाइए और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बसपा की तरह वसूली करने थाने और तहसील में नहीं जाते हैं, आपकी सेवा करने के लिए जाते हैं और जनता की सेवा में जो व्यवधान पैदा करेगा उसकी खैर नहीं है। मैं पुनः एक बार प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री से आग्रह करूंगा, एक मीटिंग कीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। करते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।